हेलो गाइस, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ये 20x24 का बोर्ड पर पेस्ट हुआ रिपेयर होने आया हुआ हमारे यहाँ फ्रेम। इसकी वीडिंग काटेंगे, 1.5 इंच का वीडिंग काटेंगे इसका हम लोग। मेजरमेंट हम लोगों ने पहले ले लिया बोर्ड का, अब इसकी कटिंग कर रहे हैं हम लोग। पहले लेफ्ट साइड ले जाएंगे 45 डिग्री, इसको फिर स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ कटिंग होती है इससे। जैसा कि हम लोगों ने मेजरमेंट ले रखा है वो मार्किंग करेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने ये किया, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं मैं ये बिल्डिंग कट कर लिया, फिनिश कर रहा हूँ। रेडी हो गया, अब हम लोग इसको फिक्स कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेम रेडी हो गया रिपेयर होकर। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी जो वाड़ा लगा दी है मैंने इसको स्टेबल लगने की वजह से, क्योंकि कस्टमर को ये नया नहीं बनवाना था, उसकी बजट से बाहर जा रहा था, इसलिए इसमें चौगाड़ा लगाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रेम हमारा फाइनल हो गया। पीछे हुक्स लग गए स्टेबल करने के लिए, हम लोगों ने MDF बोर्ड लगाए 5-5 mm को। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा है ये 12x16 का फ्रेम। तो हम लोग सबसे पहले लैमिनेट करेंगे। परसों की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि उसके लैमिनेशन में बबल्स आ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि उन्होंने मशीन को सेट नहीं किया होगा, अपने रोलर को हल्का सा टाइट रखना है ना, लेकिन इतना भी टाइट नहीं रखना है कि वो आपका फ़ोटो ख़राब कर दे, क्योंकि ज़्यादा टाइट होने से भी वो कभी कभी स्क्रीचेज आ जाते हैं, और ना बहुत कम रखना है, बहुत कम रखने से बबल्स आ जाते हैं।
बाकी टाइम के साथ आपको सीखने को चीजें मिल जाएंगी, रोलर यूज कैसे करना है। ये हमारा फोटो लैमिनेट हो गया। इसके एक्सेस लैमिनेशन निकाल रहे हैं। ये फोटो 12x18 का है, जो एक्स्ट्रा था वो हम लोगों ने कट कर दिया क्योंकि जो हमारे कस्टमर है डिमांड है 12x16 का। ये 12x16 का फोटो हो गया हमारा। अब इसको हम लोग फेविकोल के मदद से पेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कर ली है, बोर्ड पर टेस्ट कर दिया है फोटो अपना लैमिनेट करने के बाद। अब हम लोग उसकी बीडिंग को कट कर रहे हैं, उसके लिए मोल्डिंग को। ये हम लोगों ने मार्क किया एक्सट्रीम राइट में ले गए। एक बार चेक किया बीडिंग का। नेक्स्ट प्रोसेस एक्सट्रीम। अब हम लोगों ने जैसे कि आप देख सकते हैं बीडिंग कट कर ली है। अब हम लोग पिनिंग कर रहे हैं। केयरफुली पकड़ना होता है वरना फ्रेम टूटने के चांसेस रहते हैं। ये हमारा लास्ट। अब हम लोग हैंगिंग हुक लगा रहे हैं। आप आज की वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए कमेंट्स में, और कोई भी मदद हो फ्रेम से रिलेटेड मुझसे जरूर पूछें आप। ऑल इंडिया डिलीवरी स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, लेकिन होलसेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिटेल। कैश ऑन डिलीवरी है नहीं, आपको प्री पेमेंट्स करने होंगे। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाकी कोई भी मदद चाहिए हो तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 7017480203। बाकी वो फ्रेम्स जा चुके हैं इसीलिए हम लोगों ने वो वीडियो कंप्लीट नहीं करी थी, बस वहीं तक रखा है। अब आज ही हम लोग एक और वीडियो लॉन्च करेंगे LED फ्रेम की, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ एक एक चीज़ बताएंगे हम लोग कैसे बनता है, कहाँ से क्या लेके आ सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हम बताते रहेंगे आगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें आप, और कुछ ना कुछ सीखने को हम बताते रहेंगे नई चीज़ें आपको। धन्यवाद।